लेकिन मैं कहना चाहता हूं लगभग 48,000 करोड़ का जो है बजट जो है सरकार ने प्रस्तुत किया है, और उसमें अगर आप देखें तो विकास के लिए, नए कार्यों के लिए मात्र लगभग 20,000 करोड़ के बजट की ही व्यवस्था है। बाकी तो पेंशन भत्तों में, ऋण की अदायगी में, ब्याज की अदायगी में चला जाएगा। और मैं कह सकता हूं ये बजट दिशाहीन है, किसान विरोधी है, नौजवान बेरोजगार साथियों की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, और इस प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाला बजट है, महिला विरोधी बजट है। इस बजट में कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने जो अपना अभी बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सिर्फ जुमलेबाजी के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं हुई है, उसी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी बजट प्रस्तुत करते हुए 2019 को ध्यान में रख करके जो है बजट दिया है, लेकिन इस बजट से इस प्रदेश को कोई लाभ होने वाला नहीं।